है होंडा एक्टिवा 4G और इसमें प्रॉब्लम आ रही है धुएं की। तो कल इसका मैंने ऑयल चेंज किया था और ऑयल चेंज इसमें एक्टिव ऑयल नहीं था, तो ऑयल चेंज करते हो के साथ ही नया डालते हो के साथ ही तो कुछ ऐसा हुआ। तो जिस तरह से धुआं फेंक रही है गाड़ी, तो अब हम इसका इंजन उतार रहे हैं। इंजन उतारने के बाद आपको मैं इसकी कंडीशन दिखाऊंगा, इंजन की क्या कंडीशन है। खुलने के लिए हमें ये 2 वोल्ट, ये पाइप, हर एक चीज़ खोलनी पड़ेगी और किक फायर अभी, और इसका ब्रेक केबल भी हमें निकालना पड़ता है। ब्रेक केबल खुल चुके हैं, अभी बहुत सब चीज़ें निकलेंगी, जम्फर का बोल्ट निकलेगा, तो क्या क्या निकलेगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फिर इंजन इसका इंजन उतार कर हम लोग इसमें क्या करेंगे मैं आपको वो दिखाऊँगा। चेचिस ये रही और इंजन ये रहा। इंजन हमने पूरा निकाल दिया और मेन एक्सल आता है, ये मेन एक्सल अपन ने इसमें से निकाला। सब करने के बाद अपन अब इसका ये पूरा बॉडी निकालेंगे, साइलेंसर से लेके पूरा ऊपर तक का कार्बोरेटर हर चीज़ निकालेंगे। फिर आपको दिखाता हूँ अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, जो धुआं निकलने लग गया है गाड़ी। पूरा ऑयल फेंक रही थी, तो चलो अपन इसका अब हेड पूरा बॉडी फाइबर बॉडी निकालते हैं। तो ये इंजन की बॉडी लाइन खुल चुकी है, अब अपने हेड ब्लॉक खोलेंगे। ये हेड कैप है, ये हेड है, ये सिलेंडर है। तो अपन के पहले 2 बोल्ट खोल लेंगे। तो गाइस इसका ये हेड कैप खुल चुके हैं, खोलो तुम, चालू करो। कुछ इंजन की ये है, पहले अपन हेड खोल देंगे। हेड खोलने के बाद आपको पिस्टन दिखाऊंगा और वाल्व, ये कैमशाफ्ट रोकर है, ये टाइमिंग चेन के बोल्ट खुल रहे हैं। टाइमिंग चेन ढीला कर लिया, खाली बोल्ट खोल दिए, पर इसको इसका पुश रॉड का बोल्ट खोलना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं खुलेगा, नॉर्मली इस पर टैप करेंगे। टेस्ट ले लो, नॉर्मली बिना ताकत के खुल गया। इसकी पुश रॉड की चेन ढीली हो गई, अब बाहर निकाल लेंगे। अब इसका हेड खोल रहे हैं, ये 12 नंबर के बोल्ट है, ये खोलना है। तो गाइस अब इसका सिलेंडर निकाल रहे हैं, हेड निकाल रहे हैं। पिस्टन का क्या हाल है, चेन गाइड, सिलेंडर मैन, इसकी वजह से धुआं फेंक रहा था, क्या हाल हो गया। नीचे से अच्छा है, पर बिना ऑयल के चल रही थी गाड़ी, इसलिए पिस्टन घस चुका था। अब इसको अपन बाहर निकालते हैं पिस्टन को। ये सिलेंडर है, ये हेड है। तो गाइस अब इसकी क्रैंक में प्ले है, क्रैंक में प्ले है, पिस्टन तो निकल चुका है इसका, पिस्टन पे स्क्रैच जिसकी वजह से धुआं फेंक रहा था। ये कैमशाफ्ट है, ये रोकर से, ये इसके अंदर स्प्रिंग्स लगती है, ये हेड है, पर हेड पर प्लग पर जब ऑयल आता है तो कैसा हो जाता है, ये प्लग है। अब इसका पूरा इंजन ही खोलना है हमको। तो गाइस आधा इंजन कैसे खुलता है और क्या क्या होता है इसमें मैं आपको वो बता चुका हूँ। इसका तो अभी फुल इंजन है, ये कनेक्ट में ही प्ले है, तो आधा इंजन आप देख ही चुके होंगे कैसे खुलता है। तो अभी इसी वीडियो का अंत अपने यहीं करते हैं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।